लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और उससे पहले लगातार विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी यह सिलसिला जारी है। आज लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को दिल्ली के पहले लैंडफिल साइट का उद्घाटन मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के द्वारा किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये वही लैंडफिल साइट है जिसका निर्माण MCD के द्वारा कराया गया है। ये आधुनिक तरीके का लैंडफिल साइट है जिसमें कूड़े को एकत्रित किया जाएगा और इसमें कूड़ा जो है डाला जाएगा। और इसकी खासियत ये है कि इसमें कूड़ा डालने से कूड़े का जो है पहाड़ खड़ा नहीं होगा, लैंडफिल साइट नहीं बनेगी, जो एक दिल्ली की समस्या रहती है। और इसको दिल्ली के तहखंड इलाके में बनाया गया है। बता दें, ये जो पूरा लैंडफिल साइट है यह 15 एकड़ जगह पर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं ये आप लैंडफिल साइट बना है आधुनिक तरीके से और इसी में निष्पासित कूड़े को किया जाता है। बता दें, ओखला के तहखंड इलाके में ही पहले से मौजूद ये लैंडफिल साइट है, जो काफ़ी कूड़े का पहाड़ है, जो दिल्ली के 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं उनमें से एक है। और एक काफ़ी समस्या है और लंबे समय से इस समस्या से दिल्लीवासी जूझ रहे हैं और इस समस्या के समाधान को लेकर के कई कदम उठाए गए हैं। इसी में से एक कदम ये इसी के पास में ये लैंडफिल साइट बनाया गया है, जो इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट है, जो आधुनिक तरीके से बनाया गया है। ये दिल्ली में अब तक का पहला इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट है जिसको 15 एकड़ की भूमि पर बनाया गया है। इसका निर्माण MCD के द्वारा कराया गया है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में किया गया है। इसको से बड़ी सौगात इसके रूप में इसको देखा जा रहा है। बता दें, लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और उससे पहले जहां देश भर में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की जा रही है, राजधानी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा लगातार अलग अलग विकास परियोजनाओं योजनाओं की घोषणा की जा रही है, योजनाएं लाई जा रही हैं, जो विकास के कार्य हुए हैं उसका उद्घाटन हो रहा है। इसी कड़ी में ये जो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात जो है दिल्ली वासियों को दी गई है और ये लैंडफिल साइट जो है ये बनाया गया है। अब हमको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं, हम देख सकते हैं तस्वीरों में। दुर्गेश जी, आज जो लैंडफिल साइट का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे, क्या खासियत है इसकी? देखिए, अब तक जो भी दिल्ली में एक तरीके से कूड़ा पैदा होता था उसको हम यहाँ पे लाते थे, यहाँ इसको जला के ट्रीट करके हम बिजली पैदा करते थे। लेकिन इस प्रोसेस में राख पैदा होती थी और उस राख को हम इस तरह से ऐसे ही लैंडफिल साइटों पे छोड़ देते थे। तो आपने भी देखा होगा दिल्ली में राख उड़ रही है, सारी चीज़ें उसको ख़त्म करने के लिए इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट तैयार की गई है। दूसरा जो सबसे मेन चीज़ है कि जब हम कूड़े के पहाड़ या कूड़ा ज़मीन पर डालते हैं तो वो ज़मीन से नीचे जाता है और हमारी जो धरती है उसको पल्यूट करता है, उसके पानी जाता है। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे, हमने 5 लेयर्स तैयार किए हैं। तो जो भी राख होती है राख को डालते हैं, जो भी केमिकल निकलता है या जो बारिश के दौरान पानी भी जाता है वो नीचे ज़मीन को टच नहीं करता, वो उसी लेयर्स पे रहता है। उस लेयर से हमने पाइप लगाया हुआ है जो उनको सक करके वो ट्रीटमेंट प्लांट पे लास ले जाता है और वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट से उस पूरे पानी को हम प्योरीफाई करते हैं और प्योरीफाई करके उसको बागवानी और बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। इससे दिल्ली के अंदर लगभग 500 टन जो राख डेली पैदा होती थी वो एक तरीके से इसका सही तरीके से प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। कितने एकड़ में बना है और लागत कितनी है इसका? 15 एकड़ में है, लगभग 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास इसकी कैपेसिटी है, 42 करोड़ की लागत इस पर लगी है। और ये लगभग आप मान के चलिए जो आज का प्रोसेस अगर ऐसा चलता है तो 6 से 7 साल में ये पूरा भर जाएगा। तो भरने के बाद इसके लिए क्या योजना? पार्क इसके ऊपर जैसे जैसे ये राख पड़ती चली जाएगी उसके ऊपर मिट्टी डालते चले जाएंगे, उसको प्रोसेस कर तो आप पार्क भी बना सकते हो, उसको म्यूजियम में बदल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। हमको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं, हम देख सकते हैं तस्वीरों में। ये वही लैंडफिल साइट है जिसका उद्घाटन मंगलवार को मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के द्वारा किया गया है। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।